दोस्तों, अगर आप भी शिखर धवन को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड को T20 और वनडे सीरीज में हराकर वेस्टइंडीज के लिए भारतीय टीम हुई रवाना और अभ्यास करते समय खेला गया एक रोमांचक मुकाबला जिसने सभी के होश उड़ा दिए। और इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट और पूरी डिटेल को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू सैमसन और ईशान किशन और शिखर धवन में से बेहतर बल्लेबाज आप किसे मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंग्लैंड को हराकर भारतीय टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर रवाना हो गई है। जहां भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ियों को टीम से आराम दिया गया है, तो वहीं कुछ युवा चेहरों को भारतीय टीम में शामिल किया गया, जिसमें भारतीय टीम की कप्तानी शिखर धवन को दी गई और खेले गए अभ्यास मुकाबले में विरोधी टीम की कप्तानी निकोलस पूरन को दी गई। और इस मुकाबले में सबसे पहले शिखर धवन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विरोधी टीम की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने के लिए शाई होप और ब्रेंडन किंग मैदान पर आए और भारतीय टीम की तरफ से पहले गेंदबाजी करने के लिए आवेश खान मैदान पर आए। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करनी प्रारंभ कर दी, जिसमें पहले ही ओवर में ब्रेंडन किंग को 6 रन के स्कोर पर आवेश खान ने क्लीन बोल्ड कर दिया था, जिसके बाद बल्लेबाजी करने ब्रुक्स आए और उनको पहली ही गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने क्लीन बोल्ड कर दिया था, जिसके बाद पारी को संभालने के लिए रोमन पॉवेल आए और उन्होंने शाई होम के साथ मिलकर शानदार बल्लेबाजी करनी प्रारंभ कर दी, जिसमें एक ही ओवर में रोमन पॉवेल ने आवेश खान को 2 छक्के जड़ दिए। तो वहीं 10वें ओवर तक वेस्टइंडीज ने 54 रन बना दिए थे, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज युजवेंद्र चहल ने गेंदबाजी की कमान संभाल कर शाई होम को 30 रन के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान निकोलस पूरन मैदान पर आए और उन्होंने रोमन पॉवेल के साथ मिलकर शानदार बल्लेबाजी करी, जिसमें एक ही ओवर में रोमन पॉवेल ने 3 चौके जड़ दिए, तो वहीं निकोलस पूरन ने एक ही ओवर में 3 छक्के जड़ दिए। इसके बाद लगने लगा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले को पीछे की तरफ ढकेल रही है, तो वहीं 33वें ओवर में रोमन पॉवेल ने अपना अर्धशतक पूरा किया, तो वहीं 38वें ओवर में निकोलस पूरन ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। और जैसे ही अर्शदीप सिंह को 39वें ओवर में बुलाया गया, तो उन्होंने रोमन पॉवेल को 64 रनों के स्कोर पर 88 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके और 6 छक्के लगाने के बाद विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए काइल मेयर्स आए और उन्होंने निकोलस पूरन के साथ शानदार बल्लेबाजी करी और अंत तक काइल मेयर्स ने अपने अर्धशतक पूरा किया और निकोलस पूरन ने पारी की अंतिम गेंदों पर छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया। तो वहीं वेस्टइंडीज की टीम ने 255 रन 5 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर में बना दिए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम मैदान पर आई, तो भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान शिखर धवन और ईशान किशन मैदान पर आए और भारतीय टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत करने के इरादे से इन दोनों खिलाड़ियों ने अच्छी प्लानिंग बनाई थी। लेकिन पहले ही ओवर में दोनों बल्लेबाज एक के बाद एक आउट होकर अपना विकेट जेसन होल्डर को गंवा दिए, जिसमें पहले जेसन होल्डर ने शिखर धवन को ओवर की 5वीं गेंद पर 4 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया था, तो वहीं ईशान किशन को अगली ही गेंद पर विकेटकीपर निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट करा दिया और बल्लेबाजी करने के लिए अब श्रेयस अय्यर और संजू मैदान पर आए। और दोनों बल्लेबाज जिस तरीके से शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज आराम से भारतीय टीम को जीत दिला देंगे, लेकिन अचानक से एक ही ओवर में दोनों बल्लेबाज 22 और 24 रन बनाने के बाद अल्जारी जोसेफ की गेंद पर आउट हो गए, तो वहीं बल्लेबाजी की कमान संभालने के लिए सूर्य कुमार यादव और रविंद्र जडेजा मैदान पर आए और दोनों ही बल्लेबाज डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसमें 30 ओवर तक भारतीय टीम ने मात्र 130 रन बनाए थे और 20 ओवर में जीत के लिए 121 रनों की आवश्यकता थी। और यहीं अचानक से रविंद्र जडेजा ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और उन्होंने एक ही ओवर में 2 चौके और 3 छक्के जड़ दिए और मुकाबले में भारतीय टीम को मजबूती प्रदान की। लेकिन अगले ही ओवर में जेसन होल्डर ने फिर से आकर भारतीय टीम को मुकाबले में पीछे कर दिया और रविंद्र जडेजा 28 गेंदों पर 48 रन बनाने के बाद सिक्स लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े ब्रैंडन किंग के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अक्षर पटेल मैदान पर आए और बल्लेबाजी कर रहे सूर्य कुमार यादव आराम से एक तरफ से पारी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, लेकिन फिर अचानक से अक्षर पटेल रन आउट हो गए और अब 10 ओवर में जीत के लिए 40 रनों की आवश्यकता थी और सूर्य कुमार यादव अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे।
उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में तेजी प्रदान की और मुकाबले में भारतीय टीम को आगे ले जाने का काम करते हुए एक ओवर में 3 चौके तो वहीं अगले ओवर में 3 छक्के जड़कर बिल्कुल नजदीक पहुंचा दिया। लेकिन अचानक से एक और मोड़ आ जाता है और 85 रन के स्कोर पर सूर्य कुमार यादव जैसन होल्डर की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। इसके बाद पारी को संभालने के लिए अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा मैदान पर आए और दोनों ही बल्लेबाजों ने धीमे धीमे बल्लेबाजी करते हुए 20 रन के बचे हुए लक्ष्य को आराम से पूरा कर लिया और 10 गेंद पहले मुकाबला जीता दिया। और इस मुकाबले को देखकर भारतीय टीम मैनेजमेंट भी काफी खुश है क्योंकि भारतीय टीम को अंत तक जीत दिलाने के लिए गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो वहीं 5 वनडे मुकाबलों में लगातार वेस्टइंडीज को हार का सामना करना पड़ा और उससे रिकॉर्ड को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय टीम पूरी तरीके से तैयार है क्योंकि पिछले 9 साल में वेस्टइंडीज ने 27 में से भारत से सिर्फ 9 मुकाबले ही जीते हैं और भारत इसी कारण से वेस्टइंडीज के सामने बहुत ही ज्यादा मजबूती प्रदान करते हुए सीरीज खेलेगा और भारतीय टीम सीरीज खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और जीत की भी दावेदार मानी जा रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, पहला वनडे मुकाबला भारतीय टीम वेस्टइंडीज के सामने जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।